सर काफी अच्छा लग रहा है ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद. एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी दैट वी गॉट क्वालिफाइड इन बोथ मेन एंड वुमेन टीम. मैं थैंक यू करना चाहती हूँ साई और हमारे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का. ये गेम अब इतना टफ कॉम्पिटिशन कहीं नहीं मिलेगा. सर काफी अच्छा लग रहा है ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि शायद ये पहला चांस है ऐसा जो हमने मतलब इस तरीके से क्वालिफाई किया है, वरना रैंकिंग के हिसाब से जाती थी टीम. तो काफी अच्छा लग रहा है और प्राउड भी फील कर रहे हैं और इंडिया में. आपने पहले स्टार्ट लिया तो स्टार्ट को देखते हैं कैसे करना है. सर स्टार्ट में थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मेरा पहला टाइम था ये कि मैंने स्टार्ट लिया था और फर्स्ट लेग में मैं पहली बार भागी थी, वरना मैं थर्ड फोर्थ या सेकेंड लेग पे भागती हूँ. और काफी सीनियर्स प्लेयर थे मेरे साथ और तो मुझे मतलब काफी नर्वस सा फील हो रहा था, बट फिर भी अच्छा हुआ भगवान ने साथ दिया सब अच्छा. ओलंपिक को लेकर कैसे तैयारी करनी है और क्या टारगेट है? टारगेट तो सर ये ओलंपिक जाना है. और तैयारियां जैसे कोच ने जैसे जैसे सजेस्ट करेंगे वैसे वैसे सब फॉलो करते रहेंगे. अच्छे से फॉलो करना है. राहत की सांस है कि चलो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, ओलंपिक की तैयारी करनी है. हाँ जी, अब थोड़ा मतलब टेंशन सी खत्म हो गई कि हाँ क्वालिफाई हो चुका है, अब सिर्फ एक जगह फोकस करना है. पहले ये था कि अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है कैसे होगा, लेकिन अब हो चुका है तो अब अच्छे से फोकस करके ट्रेनिंग करनी है. एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी दैट वी गॉट क्वालिफाइड इन बोथ मेन एंड वुमेन टीम. स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई फर्स्ट सीनियर वर्ल्ड कॉम्पिटिशन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ टीम. हमने क्वालिफाई किया तो हम बहुत खुश हैं हमारी टीम. और जैसे हम बहामास में गए एक महीना पहले, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया उधर, क्योंकि 8-9 घंटे का डिफरेंस है टाइम का. सो हमें अडेप्टेशन के लिए उन्होंने एक महीना पहले हमें भेजा, तो हमें अच्छा लगा उधर और क्वालिफाई करके अच्छा लगा. सो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ साई और हमारे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का. सो अभी हम आने वाले ओलंपिक में अच्छा करेंगे. सो अच्छा लग रहा है उसके लिए. हम लोग बहुत खुश है. हम ये गेम अब इतना टफ कॉम्पिटिशन कहीं नहीं मिलेगा. सो उसके बाद हम अकेला भाग के क्वालिफाई करना पड़ेगा. सो उनके साथ और वर्ल्ड रिले सबको साथ भागने के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और अच्छा टाइमिंग भी आया था. आपका रनिंग में क्या ऑर्डर था और क्या स्ट्रेटजी डिस्कस हुआ था? मैं थर्ड रनर था. सो आई थिंक मेरा सजेशन क्या है वो कैसे दे रहे ऐसे हम देना था. आई थिंक क्वालिफाइड करने के लिए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पोजीशन हमको बहुत जरूरी था. वो थर्ड फोर्थ आ गया तो बस क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा था. सो सेकंड आने के लिए फर्स्ट आने के लिए हम क्या करना है वो उसको अगर पीछे रहेगा तो हम उसको बीट करके हम देना है, बटन देना है. अगर आगे आ गए तो और भी आगे जाके देना है. सो उस रेस को मेंटेन करने के लिए मेरा लाइक तो बहुत